गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अपना स्टैटिस्टिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपने सेकंड चैप्टर का बात करेंगे जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डाटा। तो कलेक्शन ऑफ डाटा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टर्म आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, जैसे कि डाटा क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है और डाटा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे व्हाट इज़ डाटा एंड टाइप्स ऑफ डाटा, और उन जो डाटा हम पढ़ रहे हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ डाटा। डाटा इज़ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड मेजरमेंट्स। देखो, बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो डाटा है वो क्या है, कलेक्शन है किसका, फैक्ट्स एंड मेजरमेंट का। मीन्स मान के चलो क्या होता है डाटा, कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। मान के चलो आपको कलेक्ट करना है कि एक एरिया में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड है, तो आप क्या करोगे, पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड। जब आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो जो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो वो आपकी क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। तो तभी लिखा है कि डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड मेजरमेंट। मीन्स कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो जिसके रिगार्डिंग में, मतलब अभी आप, मैंने आपको बताया एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड देखना चाहते हो, तो आप क्या कर रहे हो, डाटा कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद फॉर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कलेक्शन ऑफ डाटा इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। देखो, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, कि मान के चलो आपको किसी भी के बारे में भी आपको इन्वेस्टिगेट करना है। मान रहे हो कि अभी मैंने क्या इन्वेस्टिगेट करना था, कि एक एरिया में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और कितने लोग अनएम्प्लॉयड में। ठीक है, तो जब मैं देखना चाहूँगी कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, वहाँ जाकर डाटा कलेक्ट करूँगी कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जो 12th पास हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको जॉब मिल चुकी है, कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी विदाउट जॉब घूम रहे हैं, या काम करना चाहते हैं, किस वजह से काम नहीं मिल पा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एरिया बहुत दूर है जहां काम करने जाना है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनके बारे में मैं क्या करूँगी, ध्यान रखूँगी, उन चीज़ों को मैं नोट डाउन करूँगी कि क्या क्या वजह हो सकती है कि लोग जो है एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड है। तो मैंने क्या किया, एक डाटा कलेक्ट कर लिया किसका, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड का, और बहुत सारे रीज़न भी हो सकते हैं उनके एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड होने की। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की वो मेरा क्या कहलाएगा, डाटा। अब हम बात कर लेते हैं कि डाटा कितने टाइप के होते हैं। मेनली जो डाटा है वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मेनली जो डाटा है वो टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। इसके अलावा भी दो और तरह के डाटा होते हैं, जो है एक्सटर्नल डाटा और इंटरनल डाटा। उनकी बात आपके कोर्स में नहीं की गई है, बट फिर भी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देती हूँ नॉलेज के लिए, कि जो एक्सटर्नल डाटा होता है वो होता है कि जब हम आउटसाइडर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। मान के चलो आपकी कोई कंपनी है और आप बाहर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, कि आप पूछना चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट लोग पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में आप कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हो गया एक्सटर्नल डाटा, क्योंकि आप बाहर के लोगों से पूछ रहे हैं। ठीक है, और एक होता है इंटरनल डाटा, मीन्स आपकी कोई कंपनी, आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज से पूछ रहे हैं कि हमें कौन कौन से वीकनेस है हमारी कंपनी की, क्या स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए, कितना प्राइस रखना चाहिए, तो ये सारे इंटरनल डाटा होता है। ठीक है, बट जो हमारा सब्जेक्ट है वो किससे रिलेटेड है, जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मेनली प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। जो हमारे कोर्स में बात की गई है, तो हमारे दो मेन डाटा की बात की गई है, कौन कौन से, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ प्राइमरी डाटा। देखो, नाम से एक समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइमरी डाटा क्या होता है। प्राइमरी डाटा आर द डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। मतलब जब कोई इन्वेस्टिगेटर खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो वो कहलाता है प्राइमरी डाटा। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, मुझे ये जानना है कि मतलब मान के चल रहे हैं हम कोई शहर है, टाउन है, उसमें कितने लोग रहते हैं। ठीक है, मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक सर्वे करूँगी, घर घर जाऊँगी, मैं पूछूँगी कि भाई आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं, आपके परिवार में कितने हैं। तो आप क्या कर रहे हो, घर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, हु इन्वेस्टिगेट। ठीक है, जो भी डाटा जिसको कलेक्ट करना है वो हमारा क्या कहलाता है, इन्वेस्टिगेटर कहलाता है। ठीक है, तो जब इन्वेस्टिगेटर खुद जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो वो क्या कहलाता है, प्राइमरी डाटा। अब इसके कुछ मेरिट्स होंगे, ऑब्वियस है कि आप खुद जाके कोई काम कर रहे हैं तो उसके कुछ मेरिट्स भी होंगे और कुछ डीमेरिट्स भी होंगे। तो अब हम उसके कुछ मेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मेरिट्स में फर्स्ट देखो,
हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। देखो आप खुद जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है इन्वेस्टिगेटर, तो ऑब्वियसली बात है उसे पता है कि जो मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ वो एक्यूरेट है, क्योंकि मैंने पहले से उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए हैं। मुझे पता है मुझे कौन कौन से क्वेश्चन पुट करने हैं और किस तरह से लोग जवाब देंगे, ठीक है। हमें पता होता है ना कि हम, अगर मुझे पता करना है कि कितने लोगों के पॉपुलेशन है किसी एक टाउन में, तो मैं क्या करूँगी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाऊँगी। तो ऑब्वियस है मुझे पता होगा कि जो एक्यूरेसी है वो हाई डिग्री की है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैं खुद कलेक्ट कर रही हूँ। सेकेंड है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है भरोसा, भरोसा करना, ठीक है, मतलब रिलायबल होना किसी भी चीज़ का। तो रिलायबिलिटी कैसे होगी, जब हम खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो वो रिलायबल होगा। मीन्स अब आप क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन खुद हम कलेक्ट करते हैं तो उस पर हम रिलायबल होते हैं ना, हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन ट्रू होगी ही होगी, ठीक है। फिर आ जाता है नो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। वर्ड देखो, नो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन का मतलब यहाँ से ये है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है आपने, मतलब जो आपने वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, आपको पता है वो किससे रिलेटेड है, वो आपके उसी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है जो आपने इन्वेस्टिगेशन करने से पहले बनाया था। मैंने ऑब्जेक्टिव क्या बनाया था कि मुझे सर्वे करके देखना है कि वहाँ के पॉपुलेशन कितनी है किसी टाउन की, तो मेरा ऑब्जेक्टिव सेट है। तो ऑब्वियस है कि मुझे एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर रही हूँ वो सही होगी या नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पहले से प्री डिटरमाइंड है और उसी बेस पे मैं आगे क्वेश्चन पुट ऑन कर रही हूँ। आगे इसके डीमेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो इसका फर्स्ट जो डीमेरिट है वो है टेक लॉट्स ऑफ टाइम। अब ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, कैसे, क्योंकि जब आप घर घर जाके इन्वेस्टिगेटर डाटा कलेक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। नीड मच मनी। अब देखो, अब आप कहीं जाओगे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, अगर मान के चलो वो आपके घर से कहीं दूर है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, कोई और खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप मतलब अगर आप घर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो ऑब्वियसली बात है वो टाइम तो लेगा, साथ में हमारे फाइनेंशियल तो ऑब्वियस है कि खर्चा होगा ही होगा, क्योंकि अगर कहीं दूर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गया, वहाँ आना वहाँ जाना, ठीक है। इसके अलावा कोई मान के चलो फेयर तो लगेगा ही, खाने पीने का हो गया, अगर आप घर से सुबह से शाम तक दूर है तो ऑब्वियस है बहुत खर्चे होते ही हैं। तो हमारे क्या लगता है इसमें नीड मच मनी, क्योंकि एक एक पेपर कलेक्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद आप इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो, तो जो पेपर आपके जो पेपर का भी कॉस्ट होगा, इंक का भी कॉस्ट होगा, तो ये क्या होता है, ये नीड मच मनी, पैसा ज़्यादा लगता है। फिर आ जाता है नीड स्किल्ड पर्सन। देखो वर्ड देखो स्किल्ड पर्सन। अब देखो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए एक स्किल्ड पर्सन की नीड होती है, क्यों, क्योंकि जो भी डाटा कलेक्ट कर रहा है वो कैसा होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। स्किल्ड का मतलब होता है कि जो भी काम उसे दिया गया है उसमें वो क्या हो? उसको महारत हासिल हो। अब जैसे मान के चलो आपने किसी आदमी को बोल दिया इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, अब उसे तो पता ही नहीं कि सामने वाले जो रिस्पॉन्डेंट है, रिस्पॉन्डेंट वो पर्सन होता है जो आंसर देता है क्वेश्चंस के, अब उसको यही नहीं मालूम कि मुझे कैसे क्वेश्चन पुट करने हैं सामने वाले से, तो क्या वो क्वेश्चन पुट कर पाएगा, क्या वो कोई इंक्वायरी कर पाएगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएगा, नहीं, क्योंकि उसे यही नहीं पता कि मुझे क्वेश्चन ही क्या पूछने हैं, ठीक है। तो एक स्किल्ड पर्सन की नीड होती है जो अच्छे से जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, ठीक है। फिर अब बात कर लेते हैं हम सेकेंडरी डाटा। देखो प्राइमरी डाटा में हमने क्या क्या पढ़ा कि प्राइमरी डाटा जो रो डाटा होता है जो इन्वेस्टिगेटर खुद जाके कलेक्ट करता है, ओरिजिनली कलेक्टेड होता है, इसके हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम सेकेंडरी डाटा की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी डाटा इज द डाटा विच इज़ कलेक्टेड बाय समवन एंड यूज बाय अनदर पर्सन, इट इज़ कॉल्ड सेकेंड हैंड डाटा। देखो सेकेंडरी डाटा इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड हैंड डाटा। अब मैं बता देती हूँ सेकेंड हैंड डाटा क्या होता है। मान के चलो आपने कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, ठीक है, वो आपका प्राइमरी डाटा हो गया, आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देख ली, वो आपका प्राइमरी डाटा। बट जब आपकी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन का कोई और भी यूज़ करता है तो वो जो आपकी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है वो उस पर्सन के लिए सेकेंडरी डाटा का काम करती है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलो 2011 में सेंसस किया गया, मतलब जनगणना की गई कि इंडिया में लोग टोटल कितने लोग हैं, ठीक है, जनगणना की गई, सब सर्वे जाके एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, फिर इन्फॉर्मेशन से देखा मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, इन्फेंट कितने, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। तो ये क्या हो गया, हमारा प्राइमरी डाटा हो गया, किस टाइम का, 2011 के टाइम का, ठीक है। बट अगर मैं 2021 में दोबारा हम सर्वे करेंगे, सेंसस करेंगे, तो हम किस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हम कंपैरिजन करना चाहते हैं कि 2011 से लेके 2021 तक टोटल कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है,
अगर मैं इस बात की कंपैरिजन करना चाहूँगी तो मैं क्या करूँगी कि जो 2011 का डाटा उसे उठा के देखूँगी कि 2011 में कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, कितने इन्फेंट थे, न्यू बॉर्न बेबी, और कितने चाइल्ड थे। ठीक है, तो फिर मैं अब कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा कि 2011 में इतनी पॉपुलेशन थी, 2021 में इतनी थी। तो अब आपका जो 11 में जो आपने प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया था वो 2021 में जो इंसान उसे यूज़ करेगा वो उसके लिए क्या बन जाएगा, सेकेंडरी डाटा। तभी बोला गया है इट इज़ अ डाटा विच इज़ कलेक्टेड बाय समवन, किसी और ने कलेक्ट किया 2011 में, एंड यूज़ बाय अनदर पर्सन, और किसी और ने यूज़ कर लिया 2021 में। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये क्या होता है, हमारा सेकेंडरी डाटा। अब हम इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, ईजी टू कलेक्ट है। दो किसी और ने डाटा तैयार कर रखा है, मुझे क्या करना है, नेट पे इन्फॉर्मेशन देखनी है कि भाई 2011 में दिखा दो सेंसस कितना है, पता चल गया, और मुझे क्या करना है, सिर्फ रीड आउट करके राइट डाउन नहीं करना है। तो ऑब्वियस है, ईजी टू कलेक्ट है, मुझे किसी के घर घर जाके कलेक्ट नहीं करना। मनी सेविंग है, मनी सेविंग कैसे, क्योंकि ऑब्वियस मैं अब डाटा जो घर घर जाकर कलेक्ट करूँगी उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, मनी ज़्यादा लगेगी, और यहाँ तो मैंने क्या किया, सिर्फ एक किसी का प्राइमरी डाटा था जो मैंने एज ए सेकेंडरी डाटा अपने में यूज़ कर लिया, तो मेरी मनी उतनी कॉस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें मेरा मनी भी हो गया और टाइम सेविंग भी हो गया। फिर क्या बोल रहा है, यूज़ वेयर प्राइमरी डाटा कैन नॉट बी ऑब्टेन। तो ऐसी जगह यूज़ भी होता है सेकेंडरी डाटा जहाँ आप प्राइमरी डाटा ऑब्टेन नहीं कर सकते। अब देखो, मैंने बताया आपको कि मैंने 2011 का डाटा यूज़ किया एज ए सेकेंडरी डाटा, कब, 2021 में, जब मुझे पॉपुलेशन देखनी थी कि कितना हुआ है, बढ़ी कितनी है। अब मैं 2011 में जाके दोबारा क्या चेक कर सकती हूँ, प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि वो टाइम तो बीत गया। तो ऑब्वियस ही बात है, जहाँ प्राइमरी डाटा नहीं कलेक्ट किया जा सकता वहाँ हम किसके यूज़ कर लेते हैं, सेकेंडरी डाटा को, क्योंकि 2011 में वापस जाके पॉपुलेशन काउंट करना इज़ नॉट पॉसिबल ना। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसका जो प्राइमरी डाटा है 2011 का वो एज अ सेकेंडरी डाटा यूज़ कर रहे हैं 2021 में। अब इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं। नॉट रिलायबल, देखो रिलायबल क्यों नहीं है, क्यों नहीं भरोसा कर सकते कि हो सकता है कि जो सेकेंडरी डाटा हमने यूज़ किया है वो रिलायबल ही ना हो, क्योंकि किसी और ने कलेक्ट किया है तो हमें क्या पता वो डाटा सही कलेक्ट किया है या नहीं किया, हो सकता है उसने कुछ मिस्टेक क्यों अब किया या नहीं, इसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं नहीं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नीडेड, अब देखो हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर रही हूँ वो उस प्रॉपर डाटा में अवेलेबल है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मेरे को इन्फॉर्मेशन कुछ और कलेक्ट करनी थी पर उस डाटा में कुछ और दिया, तो मुझे क्या करने का, बहुत ध्यान से डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 2011 का डाटा मैं यूज़ करी आज सेकेंडरी, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं इंडिया का ही डाटा कलेक्ट करूँ, ऐसा ना हो कि मैंने किसी और कंट्री का उठा लिया, इंडिया में भी वही कलेक्ट करूँ कि मुझे मेल का देखना है, फीमेल का देखना है, चाइल्ड का देखना है, इन्फेंट का देखना है। ऐसा नहीं है कि मुझे मेल का देखना था मैंने फीमेल का देख लिया, तो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ डाटा नॉट अवेलेबल, तो देखो हर किसी टाइम पर हम सेकेंडरी डाटा यूज़ नहीं कर सकते, कभी कभी हमें प्राइमरी डाटा ही यूज़ करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मुझे चेक करना है कि 2020 में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, तो मैं क्या सेकेंडरी डाटा उठा सकती हूँ? नहीं, क्योंकि अभी तक तो वो डाटा बना ही नहीं होगा, क्योंकि कोरोना वायरस तो अब आया है। तो इसलिए बोला गया ऑल टाइप्स ऑफ डाटा नॉट अवेलेबल, तो हर किसी को हम सेकेंडरी डाटा की तरह कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम इनके प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के डिफरेंस पढ़ लेते हैं। देखो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा का मैंने यहाँ पे बेसिस लिखे हैं, यहाँ प्राइमरी डाटा के बारे में लिखा है, यहाँ सेकेंडरी डाटा के बारे में लिखा है। देखो बेसिस होना बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए, जब भी हमें मार्क्स लेने होते हैं पेपर में, या फिर अगर मार्क्स की बात ना करें तो अगर हमें किसी चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो हमें उसके बेसिस तैयार कर लेने चाहिए। ठीक है, यही डिफरेंस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो फर्स्ट बेसिस है ओरिजिनलिटी। देखिए बेटा, जो प्राइमरी डाटा होता है वो ओरिजिनल होता है क्योंकि कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेटर के थ्रू, और जो सेकेंडरी डाटा होता है वो ओरिजिनल नहीं होता क्योंकि ये यूज़ किया जाता है किसी और से और बनाता है इसको कोई और। अब इसके सेकंड पॉइंट देखो, एक्यूरेसी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्राइमरी डाटा है वो मोर एक्यूरेट होगा क्योंकि ये हमने खुद ने कलेक्ट किया है, तो हमें पता है कि इसके अंदर हमने कौन कौन से पॉइंट ऐड करने हैं, कौन कौन से नहीं करने। जबकि सेकेंडरी डाटा जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा करेक्ट ही हो, क्योंकि मैंने बताया ना प्रिकॉशंस देखने पड़ते हैं कि करेक्ट है भी या नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है, एक्यूरेसी किस में ज़्यादा होगी, प्राइमरी डाटा में। बायसनेस की बात,
देखो बायसनेस का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, फेवरेटिज्म, यानी कि किसी को फेवर में ले लेते हो। मान के चलो आपको अपनी रिपोर्ट अच्छी दिखानी है कि इस टाउन में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, तो आपने क्या कर दिया, बायसनेस कर दी। बायसनेस का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है, मतलब आपने क्या कर दिया, पक्षपात कर दिया, मतलब आपको दिखाना कुछ और था रिजल्ट, आपने कुछ और दिखा दिया अपने फेवर में करने के लिए। तो पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायसनेस हो सकती है, मैं अपनी मर्जी से डाटा को छेड़छाड़ कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि डाटा मैं ही कलेक्ट कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली अगर मुझे उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं तो मैं चेंजेस लेकर आ सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नो सच पॉसिबिलिटी बिकॉज डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड बाय अदर। जब किसी और ने डाटा कलेक्ट किया हुआ है तो ऑब्वियसली बात है मैं उसके साथ पंगे तो ले ही नहीं सकती, उसको छेड़ ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने क्या किया, किसी और का डाटा है और उसको अपने राइट डाउन करना है, तो क्या मैं उसके साथ पार्शियलिटी या बायसनेस कर सकती हूँ? नहीं। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट की। तो देखो प्राइमरी डाटा मैंने पहले भी बताया मोर कॉस्टली है, क्योंकि घर घर जाके डाटा कलेक्ट करना में टाइम भी बहुत लगता है और मनी भी बहुत लगती है। ये लेस कॉस्टली है क्योंकि आपने डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, सिर्फ उसको क्या करना है, राइट डाउन करना है या फिर समझना है। लेबर की बात करें तो रिक्वायर मोर लेबर इन प्राइमरी डाटा, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उतने ज़्यादा मुझे लेबर अपने रखने होंगे, पीपल चाहिए मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे लेस लेबर रिक्वायर्ड है क्योंकि ऑलरेडी डाटा गिवन है और हमें सिर्फ उसको राइट डाउन करना है। देन बात कर लेते हैं रिलायबिलिटी की। तो पहले भी बात हो चुकी है, जो प्राइमरी डाटा होता है वो मोर रिलायबल होता है, भरोसेमंद होता है, क्योंकि हम खुद कलेक्ट करें तो हमें पता है डाटा सही है। और ये लेस रिलायबल होता है क्यों, क्योंकि डाटा किसी और ने कलेक्ट किया और हम सिर्फ उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो हम श्योर नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। फिर स्किल की बात करें तो बताया था प्राइमरी डाटा में स्किल्ड लेबर चाहिए होते हैं, और जो सेकेंडरी डाटा उसमें अनस्किल्ड लेबर या सेमी स्किल्ड लेबर भी चल जाते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, सिर्फ डाटा जो कलेक्टेड है ऑलरेडी उसको ही आगे प्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉशन। कॉशन मतलब सावधानी। तो इसमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की नीड नहीं होती, क्योंकि हम अपने इन्फॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमें किस हिसाब से हमारे ऑब्जेक्टिव है और किस हिसाब से हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। बट इसमें हमें एक्स्ट्रा कॉशन की नीड होती है, क्यों, क्योंकि डाटा किसी और ने कलेक्ट किया है और हम उसका यूज़ करें, किसी और के डाटा का यूज़ करेंगे, तो हमें ये चेक जरूर करना पड़ेगा कि जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो आज के इसमें वीडियो में हमने क्या सीखा कि डाटा क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, और प्राइमरी और सेकेंड डाटा में क्या डिफरेंस है। तो बेटा जो आज मैंने आपको लेक्चर बताया है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आता है कि टाइप्स ऑफ डाटा बताओ, या फिर प्राइमरी और सेकेंड डाटा में क्या डिफरेंस है, या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, और दूसरी बात है समझने की कोशिश करेगा कि प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। थैंक यू।